नमस्कार आप सभी को। अस्ति अरुणाचल टुडे आप पहुँचे हैं डोमाली, जो कि वांगचर राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज में आज सिविल जुबली मना रहे हैं यहाँ में। तो मैं आज के यहाँ के जो अलुमनाई जो मेंबर्स हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का सेलिब्रेशन किस तरह मना रहे हैं, और यहाँ के जो फॉर्मर प्रिंसिपल्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उनका उस समय का रोल और आज प्रेजेंट में क्या है, और यहाँ के जो प्रेजेंट प्रिंसिपल है उनसे भी डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि सेलिब्रेशन किस तरह मना रहे हैं। एजन चीफ गेस्ट बुलाना, ये तो देवमाली का हिस्ट्री में रहेगा और इस कॉलेज का हिस्ट्री में रहेगा। The son of the principal also was abducted and was released after 1 week somehow alive. आज वांगचर राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज देवमाली का सिल्वर जुबली है। ये 25 इयर्स एक बहुत बड़ा लंबा जर्नी है। इस सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस होने के लिए कितना टीचिंग स्टाफ्स, कितना स्टूडेंट्स, कितना यहाँ का स्टाफ्स और पब्लिक ने सेक्रीफाइस करके आज सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन तक पहुँचा दिया है। तो इसलिए मैं माई बेस्ट विशेस टू ऑल द फैकल्टीज, प्रिंसिपल एंड स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ जितना है, और स्टूडेंट एज ए होल एंड तिराप एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट एज ए होल की आज इस कॉलेज को आज, इसलिए मैंने मेरा स्पीच में बताया कि आज सिल्वर जुबली कंप्लीट हुआ है तो हम गोल्डन जुबली के लिए तैयारी रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो, यहाँ का पढ़ाई लिखाई और ज़्यादा अच्छा हो, स्टूडेंट्स डिसिप्लिन, और स्पेशली मैं ड्रग्स मिनेक्स के लिए इसका समाधान के लिए, और यहाँ लोंगडिंग एंड तिराप डिस्ट्रिक्ट में सांगलांग में अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ का भी एक प्रॉब्लम है, इसके लिए भी मैं स्टूडेंट्स को, यहाँ का लीडर को और यहाँ का पब्लिक को अपील किया है कि इसका समाधान हम लोग को ही ढूंढना है। इन लोग भी हम लोग का मिसगाइडेड यूथ है, इन लोग को भी हम लोग मेन स्ट्रीम में, समाज में लाना है। तो इसलिए बहुत बड़ा एक वांगसा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज देवमाली का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन पार हुआ सिल्वर जुबली। आज हम लोग आज इसी दिन से हम लोग को गोल्डन जुबली फॉर अनदर माइलस्टोन्स, उस माइलस्टोन्स में हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और यहाँ का फैकल्टीज इंक्रीज होने होना, सब्जेक्ट्स और बढ़ाना और यहाँ अच्छा फैसिलिटी हो, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से और डिफरेंट एजुकेशन मिनिस्ट्री से बहुत सा स्कीम्स है, उस स्कीम को अवेल करके गोल्डन जुबली की ओर जाना है, यही मेरा मैसेज है। देखिए पील के लिए मैंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया फुटबॉल ग्राउंड के लिए, और साथ में किचन के लिए कल परसों एक ऑर्डर आएगा, 20 लाख मैंने दे दिया है, और यहाँ का डेकोरेशंस, ट्री प्लांटेशंस, आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के साथ एक कॉलेज को हम लोग को प्लान करना पड़ेगा, उसके लिए मैं इनिशियल 2 लाख देने का अनाउंस हुआ है। तो इसलिए फ्यूचर में और हम मदद करेंगे,
और यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट भी मदद करेंगे और इसको हम लोग अच्छा से डेवलप करेंगे, क्योंकि यही एक इंस्टीट्यूशन है हमारा लोंगडिंग एंड तिराप डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसको हम लोग को इम्पोर्टेंस और देना होगा। ग्रीटिंग्स फ्रॉम वंशा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज टू यू एंड टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड इन पर्टिकुलर द डेनिजन्स ऑफ तिराप एंड लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट। तो ये 25 सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ये एक ग्लोरियस मोमेंट है हम सभी के लिए, खास करके यहाँ का जो डेनिजेंस है, जो पीपल है, यहाँ का कम्युनिटी के लिए बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है। तो वंशा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज, पहले इसको तिराप डिग्री कॉलेज से जाना जाता था 1997, तो आज जो है ये 25 वर्ष हो गया, तो इसका सालगिरह हमने मना रहा है। तो सभी जो है उत्सुकता से मना रहा है एंड देन ये 25 सिल्वर जुबली जो है हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है एंड देन ग्लोरियस मोमेंट भी है, क्योंकि 25 का मतलब जो है 25 होने के बाद जो है आदमी जो है बहुत मैच्योर हो जाता है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि अभी से या आने वाला फल में ये समय में वंशा राजकुमार जो है बहुत उपलब्धि होगा, और हमारा शुभकामनाएँ है एज ए प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज कि स्टूडेंट एंड सोसाइटी सभी को बेस्ट विशेस कि आने वाला फल में ये बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूशन बनेगा। थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पे आज मेरे साथ में अभी यहाँ पे फॉर्मर यहाँ के जो इंचार्ज है प्रिंसिपल सर से जानने की कोशिश करते हैं कि सर का जर्नी और सर का यहाँ में उसका यहाँ में सर्विस किस तरह रहा सर। हाँ, आप सबों को धन्यवाद। मैं आज बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ वंशा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज में आकर, और तिराप खासकर मेरे लिए घर के तरह है। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि जो रिकॉग्निशन मुझे अपने नेटिव प्लेस में नहीं मिला वो मुझे तिराप में मिला, और मैं इस वंशा राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज का फर्स्ट रेगुलर लेक्चरर था। जब 97 में कॉलेज ओपन हुआ था तो मैं चारजू में ज्वाइन किया था, और तब हमारा कॉलेज एक प्राइमरी स्कूल में चलता था। प्राइमरी स्कूल मॉर्निंग शिफ्ट में चलता था, कॉलेज हमारा आफ्टर 10 चलता था। और इस कॉलेज के जैसे हम अगर कहेंगे कि बनने में बनाने में एक एक कण में जो कंट्रीब्यूशन है वो याद आता है। आज मुझे एक तरह से प्रमोशन करके डायरेक्टरेट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन ईटानगर में ले जाया गया है, लेकिन मैं आत्मा से यहीं से जुड़ा हूँ। जरूर मैं वहाँ हूँ, लेकिन हर समय मुझे अपना ये कॉलेज मेरे अपने घर से भी ज़्यादा है। और आज इस सिल्वर जुबली में जब मैं अटेंड करने आया हूँ तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे सारे बैच के स्टूडेंट्स हैं। तो मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ की सबसे जो बड़ी खुशी का कोई अगर पल होगा तो वो आज का पल है। सर, चेंजेस क्या दिखाई दिया सर अभी प्रेजेंट सिचुएशन? हाँ, चेंजेज मैं आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ। मैं भी जब मुझे प्रिंसिपल इंचार्ज मिला तो ये आप ये जो कॉमर्स ब्लॉक देख रहे हैं ये पूरा मेरे टेन्योर में बना, ये पूरा ये मेरा है कंट्रीब्यूशन। उसके बाद वो गर्ल्स हॉस्टल जो बना तो मैंने बताया, वहाँ दिल्ली में हम लोगों का एक मीटिंग था, वो रूसा के अंदर बना है, तो मैंने अपने स्टूडेंट के गृहांश को वहाँ वेंटिलेट किया कि हमारे जो लॉन्गडिंग्स है, क्योंकि ये ट्विन डिस्ट्रिक्ट के नीड को ही कैटर नहीं करता है, ये तिराप से भी, चांगलंग से भी और लॉन्गडिंग के हमारे बच्चे हैं। तो वहाँ पर ऑन द स्पॉट सेक्रेटरी ने 2.45 करोड़ गर्ल्स हॉस्टल के लिए दिया, और मेरे समय ही आप ये जो हाफ पोर्शन देख रहे हैं ये हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर सर ने, वांकी सर ने 2 रूम के लिए दिया, और 50 लाख हमको मिला था, जिसमें ये 2 छोटा कंप्यूटर रूम और एक ज्योग्राफी लैब, ये जो टॉयलेट बना है यहाँ और एक और पीछे, और पीछे का वो फील्ड डेवलपमेंट मेरे समय में हुआ जब तक मैं यहाँ था। और इस रूसा ब्लॉक का भी इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल CM साहब ने, पेमा खांडू सर ने ही किया था, वो हम उस समय एक प्रिंसिपल, नए प्रिंसिपल भी तासी तालो साहब भी ज्वाइन कर लिए थे और मैं था, तो इसीलिए ये कॉलेज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, और ख़ासकर यहाँ सोसाइटी के लोग और हमारे सारे स्टूडेंट, आप मैं क्या बताऊँ, वो मेरे जिगर के टुकड़े हैं। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को अरुणाचल टुडे में। आज टीम अरुणाचल पहुँचे हैं देवमाली में, जो ये वंशा राजकुमार
गवर्नमेंट कॉलेज, और मेरे साथ में यहाँ पे है यहाँ के एक स्टूडेंट जो अलमनी है यहाँ का अभी, तो वह उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का जो उनका एक्सपीरियंस कैसे है आज का ये सेलिब्रेशन 25th ये सिल्वर जुबली। सर आप आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज? सबसे पहले तो अरुणाचल टुडे आप सभी को यहाँ में आया, हमारा तिराप में आया, उनके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद हमारा तिराप वासी के ओर से। और जितने भी यहाँ के एलुमनिया है उन सभी को मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ इस 25 इयर्स के जर्नी में हमारे साथ जोड़ने के लिए। तो आज ही प्रोग्राम शुरू हुआ है, ये कल भी रहेगा, आज शाम भी कल्चर प्रोग्राम है, तो मैं आप सभी को हमारा 25 इयर्स का जर्नी में सिल्वर जुबली में आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूँ। और जितने भी लोग आए उन सभी से ये प्रार्थना है कि उनका कोई बात हमारे और सुनाइए बताइए। और इस जर्नी में बहुत कुछ सीखा है अपने गुरुओं से, अपने भाई बड़ा भैया लोग से बहुत कुछ सीखा है, तो आज ये इस सिल्वर जुबली में हम अटेंड होकर बहुत खुश हुआ है। और इस जर्नी में हम बहुत खुशी है जो ये कॉलेज ने मुझे दिया है, जो सीख मिला है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ इसका पार्ट बन के। थैंक यू सो मच। जैसे कि आपका आज जो अलुमनी का जो एक गठन हुआ यहाँ पे गैदरिंग हुआ, तो यहाँ में जो प्रोग्राम क्या क्या हुआ, जो स्पोर्ट्स कुछ हुआ क्या अभी? मैंने भी काफ़ी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा लगा, बड़ा भैया लोग से भी जुड़ा और मेरे जो मेरे साथ में ग्रेजुएट हुए थे उन सभी से मिला, मेरे पुराना टीचर्स से मिला, मेरे गुरुओं से मुझे आज दर्शन मिला काफ़ी दिनों के बाद, तो मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी हमने खेल भी खेला इसमें अपने दोस्तों के साथ, अपने बड़े भैया और दीदियों के साथ और अपने गुरुजनों के साथ बहुत काफ़ी बातचीत किया, मिला, उन्होंने कुछ हमें ज्ञान और दिया, एडवाइस दिया और ढेर सारा अपना यादगार को ले गए हम एक दूसरे से मिल रहे हैं अभी इस जर्नी में। और आज के दिन बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए, और हर किसी को नसीब नहीं होते, हर एक छात्रा को नसीब नहीं होते कि वो पढ़ते हुए इस जुबली को, सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली को हम पार्ट बन सके, तो मैं अपना खुद को बहुत खुश नसीब मानता हूँ जो इसका पार्ट बनने जा रहा हूँ मैं। थैंक यू सो मच। आपके समय में जो बैच आप लोग था, तो वो समय आप लोग टेम्परेली वाला बिल्डिंग में था? हाँ जी, उस समय जो हम लोग पढ़ाई करा था तो 2000 एक्चुअली ये जो कॉलेज है ये जो तीन बार चेंज किया गया, पहले तिराप डिग्री कॉलेज, उसके बाद तिराप गवर्नमेंट कॉलेज चारजों से आया है, तो डीमाली माने के साथ साथ ये वंचाराज कुमार गवर्नमेंट कॉलेज जो हुआ है जो हम लोग का बेस से हुआ था 2008 से शुरू किया वंचाराज कुमार गवर्नमेंट कॉलेज, तो उससे पहले की तिराप गवर्नमेंट कॉलेज था, तो अभी उससे पहले अभी तक जो वंचाराज कुमार गवर्नमेंट कॉलेज ही जहाँ पर चल रहा है, तो ये एक्सपीरियंस वही बोला कि जब हम लोग जब पहले पढ़ाई करा था तो उस समय जो टेम्परेरी साइड में था जिसका मतलब बिल्डिंग अच्छा नहीं था, जो एक कुछ टेम्परेरी बिल्डिंग था जिसमें मतलब मेडिकल के लिए बनाया गया था उसमें हम लोग पढ़ाई करता था, लेकिन आज आया है तो आज पहली बार मतलब ये अच्छा बिल्डिंग, ये जो अच्छा इंतज़ाम देख के बहुत अच्छा लगा है। जैसे कि 25 इयर्स ऑफ जर्नी में ये आपका अभी आप प्रेजेंट अभी एजुकेशन एकेडमिक में आप लोग क्या क्या चेंजेस देखा है? एक्चुअली ये जो वंचाराज कुमार गवर्नमेंट कॉलेज, ये कॉलेज जो बहुत मतलब फेमस है और जब हम लोग पढ़ाई करा था तब से ही मतलब ये बहुत अच्छा था, तो अभी तो और भी मतलब बहुत सारा स्कोप आ गया यहाँ पे, जैसे कि जब हम लोग पढ़ाई करा था तो उस समय ऐसे पॉलिटिकल साइंस का हुआ करता था और हिस्ट्री का था, बाकी कोई भी मतलब ऑनर्स करने के लिए नहीं था, लेकिन आज सारा मतलब ऑनर्स करने के लिए सारा स्कोप है यहाँ पे, तो स्टडी को बोला है तो यहाँ का स्टूडेंट लोग बहुत ब्रिलियंट है, बहुत सारा स्टूडेंट लोग यहाँ से बहुत टॉप भी किया गया है अरुणाचल में, तो आशा करूँगा कि और भी मतलब अच्छा अच्छा ये करने के लिए मतलब ये क्या बोलते हैं और अच्छा पढ़ाई करने के लिए और अच्छा आगे बढ़ने के लिए मैं विश करूँगा एज ए एलुमनी। तो थैंक यू वेरी मच आपका चैनल को। हेलो, आई एम ngamang lowang प्रोग्राम ऑफिसर NSS यूनिट वंचाराज कुमार गवर्नमेंट कॉलेज डुएमाली। टुडे वी फील so privileged because we got this state award for the works that we do, community services that we extend to the community and the young minds of Tirap and Longding district. I on this occasion extend my heartfelt gratitude to my mentor and also my teacher as well as our NSS nodal officer Dr. AK Misra, who is working right now as the State Liaison Officer, National Service Scheme NSS, Director of Higher and Technical Education, Government of Arunachal Pradesh. Thank you. And I also extend
team Arunachal today for giving me this opportunity to express my heartfelt gratitude to the volunteers that have extended their tremendous job in getting this prize and also extending their day-to-day services to the people. Thank you. अच्छा जी सर, आप आज जो दो दिन का प्रोग्राम था आपका अलुमनाई प्लस आपका ये सिल्वर जुबली जो 25 इयर्स ग्लोरीज आपका ये वाउचर राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज, ऐसे जी एस आप प्रोग्राम को किस तरह देखा है सर? सबसे पहले तो मेरा नाम अबुंग आनम है, जनरल सेक्रेटरी वाउचर राजकुमार गवर्नमेंट कॉलेज जियोमाली, और हम इस चीज़ को हम बहुत अपने आपको बहुत लकी फील करता है कि ये 25 इयर्स ऑफ जर्नी उसके बाद मुझे आज लकीली हमको जीएस का रोल पे इस प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका मिला है। इसमें काफ़ी सारा लोग पार्टिसिपेट किया है और आप लोग टीम अरुणाचल को भी सबसे पहले मैं दिल से तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगा। आप लोग ने इतना सारा वीडियो क्लिप्स और हम लोग का आज का प्रोग्राम और आज का सक्सेसफुल प्रोग्राम सारा हमारा ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर अरुणाचल को दिखाने के लिए, और आज का प्रोग्राम आज हम लोग के साथ एमपी सर तापिर गाँव जी वो हम लोग का सचिव गेस्ट रहा और काफ़ी तरह से उसने कमिटमेंट करके छोड़ा कि किस किस का किस किस तरह से प्रोग्राम अच्छा था और बहुत सारा कमेंट किया और किस किस प्रकार का डेवलपमेंट कराना है उसे बहुत सजेशन करके छोड़ा। और आज का प्रोग्राम अभी लंच काफ़ी लंच ख़त्म हो चुके हैं और अभी हमारा बहुत अच्छा सक्सेसफुली रहा और आप सभी को फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगा इस चीज़ में। तकरीबन आप लोग का अलुमनाई का मेम्बर्स कितना है यहाँ में रजिस्टर्ड हुए? हाँ रजिस्टर तो यहाँ पे हम लोग का मैक्सिमम 200+ हुआ है, लेकिन बहुत सारा था लेकिन कुछ वजह से नहीं आ पाना, बहुत है।